गाइस सभी रेडी हो गए हैं और गाड़ी आने वाली है। देखते हैं अब कौन सी कार भेजते हैं। 6 लोगों के लिए बोले कि बड़ी कार चाहिए। अब देखते हैं अभी घर वाले भी एक दो लोग नहाने के बाद से अभी रेडी हो रहे हैं और सुबह के हो गए 7:45। तो भाई जितना जल्दी होंगे इतना ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस कवर कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैवलर बताया था कि शाम के 5 बजे बाद सारी प्लेसेस बंद होना शुरू हो जाती है। तो अगर हो सके जितना सुबह जितना हो सके इतना जल्दी आप निकलो तो अच्छा रहेगा, लेकिन बच्चे हैं साथ में तो भी 7:45 तो हो ही गए, 1% अभी बाकी है तैयार होना। तो जैसे तैयार होता है गाड़ी रेडी है बाहर, फिर आपको आप और हम सब निकलेंगे साइट सीइंग के लिए पूरी। ओके चलो भैया, अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, सारे परिवार वाले रेडी हो गए भाई, अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी का। सब रेडी? रेडी सब रेडी होके वेट कर रहे हैं भाई। अब देखते हैं। चलो भाई अपनी गाड़ी आई है, चमचमाती हुई नई अर्टिगा है भाई। चलो साइड सीनिंग करा दे आपको पूरी का। ओके डन। बोलो बोलो बोलो। क्या गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। क्या भाई आपका नाम? राजेश। राजेश भाई ओके। चलो भाई राजेश भाई अपना पूरी घुमाएंगे पूरा। चलो छोटे बच्चे पीछे बैठ जाओ पहले जल्दी फटाफट। राजेश भाई हमको पूरी घुमाएंगे। चल ससारू तुम आज उड़ा कर जाओ, तुम तीनों बीच में बैठ जाओ। बस बस तो भाई सब सेट हो गए पीछे। बोलो अम्बे मात की जय। राजेश भाई अपने को पूरी घुमाएंगे। जय जगन्नाथ भाई। अभी अपनी गाड़ी निकली है। भाई अभी पहले ये सोचा है कि चंद्रभागा बीच जाएंगे यहाँ पे, तो अभी पहला अपना जो प्लेस होगा साइट सीनिंग का वो चंद्रभागा बीच रहेगा। कोणार्क, उसके बाद कोणार्क मंदिर जाएंगे, सूर्य मंदिर है बहुत अच्छा है, उसके बाद जाएंगे। जैसे जैसे प्लेसेस आएंगे राजेश भाई को पूछते जाएंगे और आपको दिखाता जाऊंगा। ओके तो बने रहिए अलबेला अहमदाबाद चैनल के साथ। नाश्ता नाश्ता वो टीका खाने लगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं है उसके साथ। वो गोल नहीं मिलता है, रोटी नहीं मिलती है, सब जगह इडली मिलता है, तभी वो पड़ी खाता है। नाश्ता कर रहा है नाश्ता। भाई ये जो आप देख रहे हो सब काजू के पेड़ है। अभी ये कोणार्क चंद्रभागा बीच की ओर जा रहा है अभी, तो ये बीच में ये देखो सारे काजू 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 हैं, काजू यहाँ पे उगते हैं इस पेड़ पे। गोवा में भी इस टाइप के ही होंगे ना पेड़। गोवा साइड भी काजू भी ज़्यादा होते हैं साइड। पिकनिक स्पॉट से तुम्हारा जंबा नो अंदर जंगल में बनावा जो रेंट ऊपर मॉल है, इसका नाम क्या होगा कुछ पता है? रामचंडी। रामचानी? रामचंडी। रामचंडी भाई ये जो भी गया रामचंडी करके पिकनिक स्पॉट है, मतलब जिसको जंगल में सफारी वफारी करना हो, मतलब जंगल का ट्रैकिंग का शौक है तो था। अगर कोई प्राइवेट अगर जाना हो तो हम तो अभी चंद्रभागा बीच जा रहे हैं।
और उसके बाद कोणार्क। भाई ये देखो अभी चंद्रभागा बीच की ओर जा रहे हैं और बीच में ये कोस्टल रोड आएगा अभी, मतलब समुद्र के पैरेलल रोड चालू होगा अभी। ओके इस टाइप है ना समुद्र। हाँ बीच ये देखो पूरा, अरे वाह इधर भी जबरदस्त लहर आ रही है भाई। रुकोगे इधर? इधर रुकोगे? रुकना है क्या, क्या करना? मतलब ये यहीं से चंद्रभागा शुरू है, मतलब स्टार्ट है अपन मेन। अरे चंद्रभागा बीच ही ले जाओ ना। हाँ ठीक है ना, क्योंकि अपना टाइम इतना कम बचा। आज बीता तो सड़क चालू थे बेटा, यही है कोस्टल रोड जा, अभी ये पूरा चंद्रभागा बीच तक ये रोड जाएगा, तो अपन सीधा जाएंगे चंद्रभागा बीच। चलो भाई चंद्रभागा बीच आ गए, चलो भाई अभी चंद्रभागा बीच आ गए। चलो क्या हुआ तेरे को? आगे आना था। ये बैग अंदर रख दो, बच्चे पीछे बैठे हैं। अभी ये चंद्रभागा बीच आ गए, अभी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे क्या बच्चों, उसके बाद कोणार्क टेंपल जाएंगे। कोणार्क अभी जा रहे हैं, नहीं दो मिनट में देंगे। अभी ये भाई जोरदार जगह है भाई, इधर भी हाई टाइड है जबरदस्त। ये यार इसके ये पूरी के समुंदर, ये जो पूरी लाइन है पूरी यही है भाई जोरदार। इनकी जो लहरें हैं बहुत ही जोरदार है भाई, मतलब ये देखो नज़दीक जाके दिखाता हूँ आपको भाई। ये है चंद्रभागा बीच। अब इस बीच के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, ये बीच के बारे में, ये चंद्रभागा बीच मतलब ये जो कोणार्क टेम्पल है सूर्य मंदिर, उसका जो गुम्बद था ऊपर का वो बरोबर सेट नहीं हो पा रहा था उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर। तो वो कोणार्क मंदिर बनाने के लिए 1200 कारीगरों ने मिल के ये कोणार्क मंदिर बनाया था, लेकिन वो लोग गुम्बद सेट नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें से एक कारीगर का जो बच्चा था उसने पता नहीं कैसे करके वो गुम्बद को सेट किया। तो बताया ये जाता है, कहानी ये है कि उसके बाद क्या हुआ कि 1200 कारीगर सोचने लगे कि राजा को ये बात पता चलेगी तो हम सबको मार डालेगा कि भाई आपको आप इतने कारीगर मिलके ये गुम्बद सेट नहीं कर रहे, छोटा सा 12 साल का बच्चा ने गुम्बद सेट कर दिया, ऊपर लगा दिया पूरा। तो फिर क्या हुआ कि सबकी जान के आन पड़ी, तो सब अंदर उसके जो पिताजी थे उसके अंदर लड़ाई शुरू हो गई, मतलब झगड़ा शुरू हो गया कि भाई इस बच्चे को मार दो कि ये कर दो ऐसा कुछ। तो फिर वो बच्चे ने 12 साल के बच्चे ने ये सोचा कि मैं अपनी जान दे दूंगा इन लोगों की जान बचाने के लिए। तो उसने गुम्बद में से पूरी छलांग लगा दी दरिया के अंदर कि भाई मैं अपनी और जान दे दी, जिसकी वजह से ये 1200 कर्मा जो लोग हैं वो बच जाए, और वही चंद्रभागा बीच था। लेकिन जैसे ही उसने जान दी वो चंद्रभागा बीच कोणार्क टेम्पल से 3 किलोमीटर यहाँ तक आ गया। तो भाई ये बीच की कहानी है। तो अभी आ गए, वो 12 साल का नहीं था, वो 14 साल का था। 14 साल का था? हाँ। तो मैंने कहीं पे सॉरी कहीं के मुझे सुना था 12 साल का था भाई, दिशू ने कुछ तूने कहा बड़ा 14 साल का था? मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था। ओके ओके ओके, तो भाई करेक्शन कर दो भाई, 14 साल का था बच्चा। ओके तो यही है चंद्रभागा बीच, काफी खूबसूरत है। तू करोगे कितना का? कितना है भाई राइड का? बहुत ही ऐसे देखा था अच्छा है ये। अब ये देखो इन लोगों ने यूटीवी ली है, ए टीवी का ATV सारंग और ऋषु। ओहो ओहो आ मोड़ दो सारंग मत से। कहाँ जाके आए हीरो? अरे वाह, अभी चाबी लगाया ठीक है? नहीं उसमें नहीं वो चाबी लगाया
अभी यशो की बारी और यशो की टीवी क्या यशो ये स्पेक में ना ये और यश निकला है अपनी एटीवी लेके। चलो इसका फोटोग्राफ थोड़ा ले लेता हूँ। क्या हुआ सर, मजा आई? तू चला रहा था? कैसे चला रहा था? वो तेरी चलो एक फोटो पढ़ो भाई। आया है यशु जोरदार राय। ओ हो अकेला चला रहा है यश भाई। हीरो है भाई, अकेला चला है। नहीं नहीं बस थैंक यू। क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? अकेला चला था तूने? अरे वाह। अरे भाई अभी दिशा और सारंग ने लिया है एडी। क्या भाई क्या रहा एक्सपीरियंस? सर जब मुड़ा तब मैं गिर गई जैसी हो गई। क्या जब मुड़ा तब? मतलब टर्न लिया ना। हाँ ऐसे गिरने जैसी हो। हाँ वो तो छोटा मतलब छोटा टायर इसे ऐसा हो जाता है, बाकी कुछ होता नहीं है। चलो भाई एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। तो अभी जाएंगे कोणार्क टेम्पल की ओर। ये चंद्रभागा बीच है, देख लो भाई आपको आना हो तो। ओके तो फिर चलते हैं अभी कोणार्क टेम्पल। चलो 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 अभी चलते हैं। चंद्रभागा बीच हो गया और अभी चलते हैं कोणार्क टेम्पल। सूर्य मंदिर है वहाँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत पौराणिक है। अभी जो मैंने कहानी बताई आपकी जो बच्चे वाली वो वही है। चलो अभी चलते हैं, कोई बात नहीं। नदी भी है पर अलग से अलग। हाँ चलो अभी कोणार्क टेम्पल की ओर जा रहे हैं। देखो वेलकम टू कोणार्क नोटिफाइड एरिया काउंसिल। कोणार्क सूर्य मंदिर की ओर चलो चलते हैं। यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके हैं अभी। कोणार्क टेम्पल आ गए हैं, कोणार्क टेम्पल आ गए, लेकिन सुबह से कुछ ज़्यादा ऐसा नाश्ता किया नहीं था तो अभी यहाँ पे रुके हैं नाश्ते के लिए। वो नाश्ता वास्ता करके फिर जाएंगे कोणार्क टेम्पल देखने के लिए। ओके इडली है, पूरी भाजी है और ये ने तो इसने तो समोसे मंगाए पता नहीं क्या। और वहाँ पे प्लेन डोसा, इधर मसाला डोसा। अब देखते हैं यहाँ के आइटम कैसे कैसी है। हाँ एक एक चीज है भाई, यहाँ पे वेजिटेरियन होटल बहुत ही कम है, मतलब प्योर वेजिटेरियन होटल बहुत कम है। पूरी में तो ना के बराबर है, तो ये भी देखना पड़ेगा। अगर मिलता भी है तो भी मिक्स में मिलता है, नॉनवेज वेज मिक्स होता है। लेकिन ये यहाँ पे कोणार्क टेम्पल पे जो होटल पे आया हूँ वो वेजिटेरियन है। वो भाई अच्छा है, चलो तो भाई देख के आना भाई। देखो भाई ये है न्यू साहू होटल वेजिटेरियन है। यहाँ पे नाश्ता किया कोणार्क टेम्पल के अंदर और अभी जाएंगे। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है राजेश भाई ने। अभी हम जाएंगे कोणार्क टेम्पल की ओर, सामने रास्ता है क्योंकि इससे आगे गाड़ी नहीं जाती। तो अभी जाएंगे अभी वहाँ तक तो थोड़ा चल के ही जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है गाड़ी। तो अभी सब परिवार वाले आ रहे हैं नाश्ता करके जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल। ये देखो कोणार्क टेम्पल जाने का रास्ता। ये दोनों ओर शॉपिंग आपको करना हो तो कर सकते हो, बहुत सारी दुकानें हैं। ये देखो टोपी वो भी सब मिलेंगे भाई यहाँ पे। नाश्ता वास्ता टोपी चश्मे तो बहुत मिलते हैं यहाँ पे। ये पूरा छोटा सा मार्केट है जो कोणार्क टेम्पल की ओर जाने का। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है अलाउड, इसलिए बाहर पार्क कर दी भाई ने। उसी है हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी मिलेगी, हाथ से बना हुआ ये वॉलेट ऐसा कुछ है यहाँ पे। देखो बाकी चलते हैं अभी। ओहो यहाँ पे हाँ मैंने बीच में बताया ना काजू के पेड़, देखो यहाँ पे काजू भी मिलते होंगे। सो रेट से 400 रुपया किलो, 400 रुपये के जी एक किलो के 400 रुपये काजू।
भाई ये देखो काजू यहाँ पे सस्ते है यार, 400 रुपए किलो है। और ये खसखस ये भी सस्ती है, 200 रुपए का 500 ग्राम। 500 ग्राम अरे 10 महीना ये रहेगा काजू। ये देखो चेरी भी है। अरे दादा पैक करके दिए थे तो 10 महीने। और रंजन बहन कुछ खरीदी कर रहे हैं, पता नहीं क्या खरीद रहे हैं। तू जो है खसखस अरे मिलेगा नहीं, खाली भयंकर 100 रुपए में ये कितना 500 ग्राम खसखस खसखस है ना भैया। अच्छा है भाई, ले आप भाई ये कोणार्क मंदिर से खसखस ली मेरी मम्मी ने। चलो आगे चलते हैं अभी। ये कोणार्क मंदिर के जाने के बीच में इतनी बड़ी मार्केट है, और हमारा टीटू पता नहीं क्या कुछ लू क्या लू क्या ना लू। तो भाई ये हमारा सारंग हर एक मार्केट से कुछ लेना जा रहा है, क्या बोल रहा है? यहाँ से आगे नहीं जाएगा जब तक गाड़ी नहीं लेगा। क्यों? अभी ये प्लेन तो लिया है यार, ये विमान तो नहीं दूसरा चार जी विमान। क्या हर एक मार्केट से एक लेना है? ये देखो अभी निकल गए, ये अभी ये वो बीच से ही लिया, चंद्रभागा बीच से। अभी बोल रहा इधर ले, हाँ एक ले ले, एक ले ले, एक ले ले। डॉक्टर ले लिया इसने, चलो मैं दे देता हूँ भाई। ये बहुत जबरदस्त मार्केट है यहाँ पे तो। अभी कोणार्क टेम्पल तो अभी आया ही नहीं, इसके पहले इतनी जोरदार मार्केट है, मतलब ये देखिए भीड़ ही भीड़ है। और अब बहुत सारे अब ये लोग ये तो बहुत सारा है, खसखस काजू तो बहुत बिकता है यहाँ पे, क्वालिटी के हिसाब से ये भी चीज़ जोरदार है। जोड़ेगा जो बच्चा चट्टाई बट्टाई अब ये भी अच्छा है यार, ये लोकल लोगों ने बनाया हुआ है। ये लगता है ये पूरा एपिसोड मार्केट में ही निकल जाएगा ऐसा लगता है। चलो टेंपल का अलग बनाएंगे, ये मार्केट का आप लोग को देख लो भाई, क्योंकि पूरा लंबा दिखाने जाऊंगा तो लंबा एपिसोड बनेगा। तो ये एपिसोड सिर्फ मार्केट का ही रहेगा, कोणार्क टेंपल मार्केट, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। गन्ने का रस मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। हिरने बनाई है ये, पता नहीं ये हर जगह ये लकड़ी रखी हुई, पता नहीं क्या किसके लिए है। दोनों और अभी रास्ता थोड़ा चौड़ा होने लगा है, अच्छा है, फिर भी मार्केट तो चालू ही है दोनों और। ये पूरा एपिसोड कोणार्क टेंपल मार्केट, क्या सारू ये तो पता नहीं, ये एक एक हेलीकॉप्टर ले रहा है, प्लेन ले रहा है, हर जगह पे खड़े लेके उसको प्लेन लेना है, गाड़ी लेनी है, बस चॉइस ही लेना है, जैसे चॉइस लेने के लिए अब कितना ले ली अभी तक, ये क्या है विजिट कोणार्क टेंपल इस साइड है कि इस साइड? इस साइड। अच्छा ये रहा ये रहा, ए गाय आई बच्चू बच्चू अच्छा चलो